काउंसलर बने, काउंसलर तो बाद एमएलए बने, एमएलए तो बाद मिनिस्टर बने, फिर रवनीत सिंह बिट्टू जी दी। अगर मैं गल करा अपने हल्के के विधायक दी, राकेश पाजे जी दी, सुरिंदर डावर जी दी, अगर मैं गल करा वैद साहब दी, मैं दसना चाहती सी कि सारे दे विच कि जरूरी नहीं होंदा कि किसी का राजनीतिक पिछोकड़ ही होना चाहिए। जेकर तुहाडे अंदर जज्बा है, सब तो पहला तुहाडा परिवार तुहाडा सहाई हुंदा, तो औरत कभी भी किसी तो घट नहीं हुंदी, पीछे ही आशु लगता है। अगर गल करा मैं संजय तलवार जी दी, रियलिटी अपने घर दे दो जी गवाते, फिर भी लाल एक बार मेरे नाल नारा बुलंद कर दो, नारी शक्ति, नारी शक्ति। मीडिया तो बिना असि कख दे, लेकिन मेरी बेनती है मीडिया कर्मियों को, प्लीज मंच पे कोई बाइक थोड़ी होती है। आ जो स्टेज से नौजवान साथी खड़े कमरे थोड़ी बेचारे चार घंटे डिखी जाते हैं। एक छोटी जी गुजारिश है, यार थले माइक किने कोले, एक छोटी जी गुजारिश है कि जो सागर छात्र ने वापस आ जाना इधर नु भाई साहब, एक मिनट। ठीक है ठीक है। भाई जी जे तुसी सारे संजय भाजी नु प्यार कर दिए, कृपा करके कुर्सियां ते चलो, इत्थे ना चलो मेरा भी डिसिप्लिन। मैं थोड़े को हाथ जोड़ के माफी भी मंगनी है, 5 मिनट दे घर नहीं दस दूंगा जी, लेके चलो ठीक है। स्वाइड इंडिया तो कोई ना खड़ा हो, एंड प्लीज स्टेज पे डिसिप्लिन। भाई साहब ब्लॉक प्रधान साढ़े साढ़े वाइस प्रधान साहब, आप मगरलिया भाई साहब तू छोटे भी मीडिया मीडिया तो बिना सारे चलो बैठो, मैं भी आवा बेचो खड़े फिर मजा नहीं आना। कोई विचार नहीं करूंगा, आज कल भी आज के मगर नहीं कुर्सी दे रहे लॉबी और दब के नारा ला रहे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। डिप्टी मेयर सारा का बहुत कुछ मैं सहयोग दिता पिछले 4 साल, सारा का बहुत बहुत धन्यवाद करता, और खास तौर पर सामने बैठे मेरे वर्कर साथियों का जिन्होंने चाहे राहुल गांधी जी की फेरी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी की फेरी हो, चाहे किसी भी हो चीफ मिनिस्टर की फेरी हो, अपने बुलबुले विचार थोड़े नाल साझे कर पर माननीय अमरिंदर सिंह जी राजा प्रेम साहब। कांग्रेस
प्लान खराब करता है। सिक्योरिटी यार भी पीछे पे स्टेज पे यार पांडे साहब बैठे छह बारी आ रहे प्लान बनाया गया था जिले का किस तरीके निभाओगे अपनी जिम्मेवारी। लोग तो चर्चा करते जी कंडिया का ताज है लेकिन मैं बड़ा खुश हाँ कि पार्टी ने मैंने इस लायक समझिया कि मैंने जिले की जिम्मेवारी दिती है। पहला कारपोरेशन दोणा लड़ाई है फिर मैं विधानसभा भेजिया अज मैंने जिले की कमान दी है और लुधियाना जरा असी सारिया सीटा विधानसभा हार चुके हैं। कारपोरेशन की चोन जी है दरवाजे पर है और बड़ा व्डा चैलेंज है साढ़े वास्ते। सो मैं उम्मीद है कि असी छोटा जहा प्रोग्राम रखा सगा और जिस भाव के ना लोग आए हैं वर्कर घरों बहर निकल के आए हैं वर्कर द्वारा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए और उम्मीद है कि कॉर्पोरेशन चोन जीतेंगे मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा। देखो उन्होंने जीतने तो डर लग रहा है कि वह शायद जीतेंगे नहीं और दूसरी गल जिहड़े लोग गए है तुम बहुत पुराने लुधियाना शहर नू देख रहे हो मेरा ख्याल है अगर मैं उन्होंने नाम ना लवां कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कुछ दिता उन्होंने अगर तुम मैडम राशि अग्रवाल की गल कर लो तो हेमराज जी आजाद लड़े थे पांडे साहब के खिलाफ 1800 वोटों ने मिली सगिया उसके बावजूद उन्होंने असी टिकट दिती राशि जी और राशि जी लोगों ने कांग्रेस के निशान से कौंसल बनाया। पांच साल कांग्रेस बुरी नहीं लगती जो सरकार नहीं होंगी उदो जो लगता कि साडा वजूद खत्म हो रहा पार्टी बदली जाती है। मेरे कौंसल भी गए है एक्स कौंसल भी गए ने मौजूदा भी गए ने पार्टी ने बड़ा कुछ दिता लीडर ने बड़ा कुछ दिता लेकिन अपने मन च डर है लालच कोई MLA बनना चाहता कोई मेयर बनना चाहता और किसी को लगता भी शायद कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है तो असी BJP के निशान से इलेक्शन जित लाँगे। कुछ लोग इस तरह जा रहे हैं लेकिन हालात जोड़े है बदल चुके हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा कॉरपोरेशन जीते मुद्दे की लैके जाऊंगे सर मुद्दे की देखो मुद्दों लैके ही कितना कितने कांग्रेस विधानसभा हारी है। लुधियाने के अगर डिवेलपमेंट की गल करिए तो मेरे ख्याल कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं जिते डिवेलपमेंट नहीं हुई सिर्फ एक वड्डा झूठ 1000 रुपये वाला बोलिया गया जिदे करके सत्ता तो बाहर हो गए। सब तो वड्डा मुद्दा तो 1000 रुपये वाला रोज तो बाद जिहड़े इन्हां दे गैंगस्टर है इन्हां दे राज दे विच लोकां तो फरौतियां मंगियां जा रही हैं कतल हो रहे हैं रेता बजरी की गल करते सके किसी भी फ्रंट ते कामयाब नहीं होए। और दूजी गल सब तो इंपोर्टेंट गल जदों ये कहिंदे सके कि आम आदमी असीं उह फैसिलिटियां नहीं लवांगे अज इन्हां दे अगे जिप्सियां चलदियां इन्हां कोल सरकारी घर ने तनखाह ये लैंदे आ विधानसभा कमेटियां दे मैंबर ये उहदे पैसे ये लैंदे आ इस करके हर फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं और लोगों इन्हों का जो झूठ है लोगों सामने आ चुका है। कांग्रेस का एक इल्जाम लगता रहा है कि टिकटा बेचिया जाए लगता है कि इस बार ईमानदारियां टिकटा दी जाएगी और दूजिया पार्टियां बेचनगिया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी टिकटा नहीं बेचिया कभी भी नहीं बेची झाड़ू जरूर टिकटा बेच रहे हैं आवाजा भी आ रही हैं और जो इलेक्शन आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दसांगे भी किन्ने किन्ने पै दिते। कांग्रेस पार्टी सिर्फ किरदार की हार्डवर्क की कदर होंगी है कोई पैसे ना टिकट नहीं बेची जाती। हाँ जी राय जी किस तरीके तैयारियां चल रही है नगर निगम दी क्योंकि कई कांग्रेसी जिहड़े हैगे ने ओह जा रहे ने दूजी पार्टी आम आदमी पार्टी दे लगातार शामिल बहुत लोग जाते होंगे ते बड़े लोग आते होंगे और सानू किसे गल दी कोई परवाह नहीं है। हेलो हेलो जिन्हें चले जाना है वो जा सकता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता ठीक है जी। दूसरी गल सानू इस गल ना कोई फर्क नहीं पैण वाला कांग्रेस पार्टी का असी आने वाले समय च तुसी देखोगे अज का जिहड़ा जोश है अज की ताजपोशी ते पहुंचे लोग जिहड़ा मैं वार्डां दे विच जा जा के कर रहे हैं प्रोग्राम उत्थे लोग जोश नाल आ रहे हैं 101% असी जिहड़ी दोबारा फिर लुधियाने का जिहड़ा मेयर है वो कांग्रेस पार्टी का बनावांगे थोड़े सामने। सर ट्रांसपोर्ट नूं लैके बड़ा माफिया का नाम दिता जा रहा है सुखबीर बादल इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया कोई नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट माफिया तो सीगा कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया काफ़ी तादाद तक मैं जिहड़ियां एक्सटेंशन सीगियां सुखबीर सिंह बादल होर 7000 किलोमीटर दियां एक्सटेंशन रद्द कीतियां टाइम टेबल नवे बनाए
इन्हों बसा फट फट के अंदर दतिया माफिया क्यों नहीं सीगा पहला क्यों नहीं रेवन्यू आता सी बिल्कुल माफिया सीगा लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को बेनती करनी चाहना केवल बयानबाजी तक सीमित ना रहो तुम कह कि चंडीगढ़ के बस अड्डा के हम बस नहीं बढ़ेगी प्राइवेट बढ़ रही बसा रुकी तो है नहीं हजे तक रोकेगा कौन तुम हमेशा हर गल पहला कह दें भी घर घर असी देंगे आटा घर घर देंगे हजार हजार रुपया सो किसी गलते मुकम्मल मोहर नहीं लाते मेरी बेनती है कि माफिया है चल रहा है कृपा करके और रोकथाम लाओ जे तुम क्या बस स्टैंड चंडीगढ़ के नहीं जानिया प्राइवेट बसा तो रोको देखो भाई जीरा जेड़ा मसला है अंदोलनकारियां अंदोलन कर सकते हैं डेमोक्रेसी है हर व्यक्ति नु हक है आपकी आवाज बुलंद करन दा ओरा तरीका है तुसी धरना लाओ एसटीएम दे बाहर लाओ डीसी दे बाहर लाओ किसी होर थां ते हुण जिहड़े हर थां ते भी धरना जिहड़ी गल है उह चंगी गल नहीं है मैं किसी के हक च नहीं है उत्थे जिहड़े विचारे लोगों ने धरना लाया वह किसी ना किसी कारण दुखी होणगे इस करके धरना लाया लेकिन हुण कोर्ट ने मानयोग हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर करता उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपया सरकार हरजाना भरे सरकार नूं लाता हुण अल्टीमेटली जिहड़ा हरजाना लाया वह सरकार कितों भरेगी ते नाले वह धरना चुकावे नहीं तो कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट है कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा नाल नाल कानूनी लड़ाई भी बनती है लेकिन मेरी बेनती है पुलिस को प्रशासन कि अंदोलन करने वाले नाल प्यार नाल मोहब्बत नाल धरने नू चुकाया जाए तो अंदोलनकारियों मेरी बेनती है कि कानून तो कोई चीज़ हैगी है सानू हर एक व्यक्ति नू कानून की पालना करनी चाहिए है जे मानयोग हाईकोर्ट के हुक्म ने तो उन्होंने थोड़ा मोटा पालना करके लेकिन सरकार उन्हां भरावां दी तकलीफ नू जरूर दूर करे उन्हां दा बंदोबस्त इंतजाम जरूर करे फैक्ट्री वाले नाल मिलके करे और बिल्कुल फैक्ट्री दे भी किसी दे बार च बह जाओगे तो इस पंजाब दे विच इंडस्ट्री लगनी बंद हो जाएगी कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी सब इंडस्ट्रियां आने वाले समय च बाहर चलिया जाणगियां इहदा पुख्ता इंतजाम फ्रेंडली एनवायरमेंट इंडस्ट्री नू लैके आना चाहिए सरकार नू इहदे उत्ते तवज्जो देनी चाहिए है अंदोलनकारियों का भी हक रखन ते फैक्ट्री वालों का भी हक रखन हजे तो पन बस ही हड़ताल से सारे पंजाब ने जाना है बाद मीडिया ने जाना है जिवें मीडिया से भी परचे दे जाते हैं तुम भी जाना अजे हड़ताल से सारी दुनिया ने हड़ताल से जाना पंजाब गुटबाजी का नुकसान हो कांग्रेस 5000% गुटबाजी का नुकसान कोई यार कमाल है कोई पहली हरी हो रहा है बथेरे हरी लोग छड़ छड़ के भारत जोड़ो यात्रा हो रही सी गुलाम नबी आजाद चले गए कोई फर्क पिया सो कोई उल्ट नहीं हो रहा ये जरूरी भारत जोड़ो संविधान नु बचाओ है जेड़े कोई गंदिया मच्छियां हुंदियां है कोई चली गई तो सानू कोई फर्क नहीं है नहीं मैं नहीं कैप्टन साहब का बाबा कोई ना रखा तू जान बुझ के कैप्टन साहब के मगर ना पै मेरा कोई रौला नहीं है एम सी चोना नू लेके घर घर जावांगे कांग्रेस की आदि नीतियां तो जाणू कराएगी कांग्रेस ने किए हुए डिवेलपमेंट के कामों नू याद करा के दोबारा फिर लोगों के कोले हाथ जोड़ के वोट मंगा तुहाडियां सरकार नहीं आम आदमी पार्टी सरकार तुसीं भुलेखे नाल मैं कांग्रेस नहीं सरकार लॉ एंड ऑर्डर यार मैनू की पुछ रहे किसी मूंगफली वेचने वाले भरा नू पुछ लिया बूट बनाने वाले मेरे भरा नू पुछ लिया हर व्यक्ति कह रहा है कि पंजाब के हालात खराब हो चुके सर लगता है कि हालात और बिगड़ सकते लगता नहीं है पक्का बिगड़नगे क्यों सरकार ही बिगाड़ना चाहती है सरकार चाहती है हालात बिगड़न गवर्नर ही राज लगे असी इस पंजाब दे विच कायम हुई है जिहड़ी सरकार पंजाब दी है उहनू भंबल भूसा पिया समझ ही नहीं आ रही करिए की